बस्ती जनपद के लगभग 25 किलोमीटर दूर राम जानकी मार्ग के ग्रामीण इलाके के पास दुबौली दुबे चौराहे के पास एक मुस्कान हॉस्पिटल खुला है, वहां पर मौजूद हूं। यहां पर 24 घंटे सेवाएं लोगों को दी जा रही है। आज हमारे पास डॉक्टरों की टीम मौजूद है। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि गरीबों को किस स्तर की सेवाएं मिल रही हैं और इसके बारे में तमाम सुविधाएं भी जानकारी लेंगे कि यहां पर कौन कौन सी सुविधाएं मरीजों को मिल सकती हैं। हमारे साथ मौजूद है बातचीत के लिए डॉक्टर साहब। हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये ग्रामीण इलाका है, आपने सेवा भाव के लिए अस्पताल खोला है, तो आपके यहाँ कौन कौन सी सुविधाएं हैं? हमारे यहाँ OPD की है, जैसे पेशेंट आता है दिखा के जा सकता है। IPD है, कोई सीरियस पेशेंट है तो उसको हम एडमिट करते हैं, ठीक है। और कोई भी सर्जरी होती है, जो भी जर्नल सर्जरी है, जैसे GB का है, गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है, किडनी स्टोन होता है, बच्चे करवाने के लिए, ये सब चीज़ों के ऑपरेशन हमारे यहाँ होते हैं, ये सारी सुविधाएँ हमारे यहाँ अवेलेबल। और जैसे कोई पेशेंट नहीं आ पाता है तो उसके लिए एम्बुलेंस की सुविधा है, कोई क्रिटिकल पेशेंट है घर से नहीं आ पा रहा है तो उसके लिए हम एम्बुलेंस प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। अब तक आपने सुना, लेकिन हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि बहुत बड़ी बात यह है कि ग्रामीण इलाके में 24 घंटे सेवाएं इस माझा इलाके के लोगों को दी जा रही हैं और मरीज जब भी चाहे रात को भी फ़ोन कर सकता है, दिन में भी फ़ोन कर सकता है और आके अपनी इलाज आवश्यकता अनुसार करवा सकता है। तब हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि इस समय किस रोग के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं आपके यहाँ? इस टाइम पे हमारे यहाँ डायरिया के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं, ज़्यादातर एक्सीडेंटल केस हमारे पास इस टाइम पे ज़्यादा आ रहा है और ये पैरालाइज्ड के केसेस ज़्यादा इस टाइम पे आ रहे हैं हमारे यहाँ। एक चीज़ हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस समय गर्मी बढ़ी हुई है, डायरिया जैसे रोग बढ़ रहे हैं, इस पे मरीजों को क्या सावधानी रखनी चाहिए? इसमें पेशेंट को, मरीजों को जो है धूप से बचना चाहिए, ठीक है, और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। जितना पानी पियेंगे तो उनको डिहाइड्रेशन कम होगा, पानी की कमी कम हो जाएगी, क्योंकि पानी की कमी, डायरिया जब होती है तो पानी की कमी ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से मेरा मानना है कि पानी ज़्यादा पिएं और संतुलित आहार करें, फल फ्रूट खाएं। अच्छा, जो लोग गन्ने का जूस पी रहे हैं या आइसक्रीम खा रहे हैं या जो मार्केट में तमाम अवेलेबल चीज़ें, क्या खाना चाहिए? खाना तो नहीं चाहिए जी। लेकिन कोई मानता कहाँ है, ठीक है। अब तक आपने सुना है बचाव के तमाम उपाय भी बताए जाते हैं यहाँ पर, और बच्चों के लिए भी है कि वो लोग फास्ट फूड का सेवन कम करें, ज़्यादातर घरेलू ही उपयोग करें। ऐसे में आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं इसी हॉस्पिटल पे किसी दूसरे दिन तमाम जानकारियों के साथ। मैं शिव कुमार चौधरी।